तो अभी जैसे ही हम देख रहे थे 3D रिवॉल्व को, तो किस तरह से काम करता है इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने पेन टूल की मदद से एक शेप को क्रिएट किया। मैंने ये इस तरह का एक शेप इस तरह से बना दिया था और अब मैं इसको 3D रिवॉल्व की मदद से, यानी कि देखिए इसका फिल एरिया को मैंने नन कर दिया है और स्ट्रोक पे एक कलर का ये लगा रखा है। अब अगर मैं इसको 3D रिवॉल्व पर यूज़ करूँगा तो इफेक्ट पर जाके 3D रिवॉल्व पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये इसका इस तरह का एक शेप बना देगा। अब इस शेप में हो क्या रहा है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये 360 का एक एंगल आ रहा है, इसको हम यहाँ पे जीरो पे कर देते हैं तो ये देखें बिल्कुल एक शेप है। और मैं इस विंडोज में जाके अपीरियंस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 3D रिवॉल्व इसका इफेक्ट दिखा रहा है। अब जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाता जा रहा हूँ यहाँ से देखिएगा आप, तो ये देखें एंगल बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ये उसी उसी शेप को हल्का हल्का रोटेट करता जा रहा है और एक कॉपी उसमें ऐड करता जा रहा है। और जब ये पूरे 360 डिग्री पे हो जाएगा तो ये देखें पूरा गोल हो जाएगा, सही है। अब जब ये पूरा हो गया इसको ओके करेंगे, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके यहां से इस पे क्लिक करके यहां पर, और इसको हम इस तरह से थोड़ा दूर हटाते हैं तो ये देखें शेप ऑटोमेटिकली अपनी जो शेप को चेंज करना शुरू करेगा। तो जिस तरह मैं इसको आगे करता जा रहा हूँ उतना ये आगे इस तरह से बढ़ता जा रहा है। अब आती है बात कि इसके अंदर अगर कुछ कर्व्स वगैरह ऐड करने हैं, जैसे ये हिस्सा गोल करना है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे मुझे कर्व ऐड करना होगा, और यहाँ पर भी अगर मुझे कर्व देना है तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर भी मुझे कर्व देना होगा, और फिर मुझे इसको थोड़ा इसको यहाँ से इससे दूर करना होगा या इसको थोड़ा सा इस साइड पे, इस तरह से, और इसको थोड़ा यहाँ से खींच के इस तरह से, या फिर यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से आप इसके शेप को मोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, बाद में भी अगर आप इसके और भी शेप्स के अंदर चेंजेस करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये बिल्कुल आप इसको स्ट्रेट करना चाह रहे हैं तो ऐसे स्ट्रेट भी कर सकते हैं और मजीद इसको इस तरह से जितना घुमाएंगे ये उतना चौड़ा ऊपर वाला हिस्सा इसका होता चला जाएगा। हाँ, अगर अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा गेप चाहिए तो फिर हमें एक और एंकर ऐड करना होगा, फिर इसके बाद हम इसमें दे सकेंगे। लेट्स सपोज जैसे अगर हमें यहाँ पे गेप चाहिए था तो फिर इस तरह का शेप आपको इस पर ड्रॉ करना होगा, जैसे कि ये लिया आपने और ये थोड़ा सा पीछे रख लेते हैं और फिर ये नीचे ले लिया हमने, और फिर हम इसको थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं और फिर इसको हम यहाँ से और नीचे ले लेते हैं और फिर हम इसको थोड़ा सा इस तरह ले लेते हैं और फिर हम इसको आगे यहाँ तक ले लेते हैं। अब ये एक हमने शेप निकाला है। अब इस शेप को हम सेलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाके जैसे 3D रिवॉल्व पर लगाएंगे तो ये इस तरह का एक शेप निकल आएगा, ठीक है। और अगर हम इसको लेफ्ट एजिस के बजाय राइट एजिस करेंगे तो, यानी कि लेफ्ट एजिस का मतलब ये ऐसे घूम के ऐसे करके शेप को कम्प्लीट कर रहा था, राइट एजिस का मतलब है कि फिर वो ऐसे घूम के करेगा, लेकिन राइट एजिस में आपको ख्याल करना है कि फिर शेप को आपने इस तरह से यहाँ से डिफाइन करना है तो फिर वो इसको इस तरह से घुमा के पूरा कर लेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट एजिस पे हमने रख लिया इसको और इसको ओके कर देते हैं तो ये एक शेप इसका इसका इस तरह से निकला है। तो अब इसमें जो इसमें थोड़ा कलर चेंज करता हूँ मैं इसका, इसमें जो आपको समझने वाली बात है कि देखिए बीच का गेप जो यहाँ पे नहीं आ पा रहा था वो मैंने किस तरह से इसके अंदर लिया कि यहाँ पर इससे और इसके दरमियान में गेप रखा है तो जितना गेप रखा है उतना ही यहाँ पे बीच के अंदर गेप आया है। अच्छा, अब इसको फर्दर मोर हमें इसमें थोड़ा सा और कुछ कर्व पैदा करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने और इसको कर्व किया तो देखें ऐसे गोल हो गया ही, ठीक है। गोल होने के बाद अगर हम इसको पकड़ के ऐसे सीधा कर देते हैं तो ये ऐसा हो गया। अच्छा, फिलहाल इसको अगर जैसे बीच के अंदर ये इस तरह से दिखा रहा है तो इस वाले हिस्से को भी सेलेक्ट करके अगर हम यहाँ से कर्व कर देते हैं तो ये इस तरह का हो जाएगा, और इसको भी क्लिक करके अगर हम यहाँ से क्लिक करके कर्व कर देते हैं तो ये इस तरह का हो जाएगा। दिख रहे हैं, यानी कि शेप्स कैसे चेंज हो रहे हैं। अगर वो अंडू कर रहा हूँ दो दफा, ये अंडू किया तो ये बिल्कुल शार्प कॉर्नर पर है, फिर अंडू कर रहा हूँ तो ये भी शार्प कॉर्नर पर है। अगर हम सिर्फ इसको करें तो इस पर क्लिक करके कर्व करेंगे तो फिर देखें क्या हो रहा है, ये इस तरह से गोल हो रहा है, तो ये देखिए, ठीक है।
अगर हम इसको यहाँ से भी गोल करना चाह रहे हैं तो क्लिक करके यहाँ पर भी कर्व कर रहे हैं, तो ये इस तरह से गोल हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने इसको यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे सीधा कर दिया, ये देखिए इस तरह से सीधा हो गया इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा छोटा करना है, ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, थोड़ा छोटा करना है। तो ये दोनों एंकर्स को लिया हमने और यहाँ से इन एंकर्स को पकड़ के ये इस तरह से आगे की तरफ हम सीधा ले आए, तो ये देखिए साइज में उससे छोटा हो गया। और उसके बाद ये ऊपर जो ऐसे थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है ढलान, इसको कम करना है, तो यहाँ से इस वाले को पकड़ा और इसको पकड़ के हमने यहाँ से शिफ्ट के साथ थोड़ा नीचे कर दिया, तो ये देखें इस तरह से इजीली हमें नज़र आने लग गया। अब नीचे वाले शेप में वैसे इसका ऑटोमेटिकली जो बेस है वो बन गया है, लेकिन बेस थोड़ा सा और जाहिर करना है, तो इसको पकड़ा आपने यहाँ से और इसको पकड़ा आपने यहाँ से, शिफ्ट के साथ दोनों को पकड़ा, और इसके बाद इसको पकड़ के थोड़ा सा शिफ्ट के साथ नीचे ले आए, तो देखें बेस इसका मजीद इम्प्रूव हो गया, तो ये देखें इस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये एक किसी तरह की बॉटल का डिज़ाइन आप इजीली इसमें निकाल सकते हैं। फर्दर मोर यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा शार्प हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा गोल कर लें, यहाँ पे क्लिक करके कर्व करेंगे तो कर्व करेंगे तो ये से गोल हो जाएगा। अब उसके बाद इस इसकी बॉटल का शेप, ये भी एक शेप है, अगर इस तरह का शेप बनाना है तो ये भी एक शेप है, अक्सर परफ्यूम की बॉटल्स के शेप से इस तरह के होते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं इसको थोड़ा सा और हम थोड़ा सा सेट कर लें, तो यहाँ से इसको पकड़ के आप इसको सीधा करेंगे तो ये देखिए इस तरह का शेप निकल आएगा। अब ये भी एक बॉटल का शेप है, लेकिन अगर इसमें ही हम थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ, तो ये वाला एंकर पकड़ के हम थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे, तो देखें अब इसका शेप थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के और नीचे ले जाएंगे, और नीचे ले जाते हैं, तो अब देखें अब एक नया शेप निकल के आएगा, ये देखिए और नीचे लेके जाएंगे, देखें, ठीक है। अब इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसको हम थोड़ा कंट्रोल करते हैं, ये इसको दोनों को सेलेक्ट किया और इसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इसको और छोटा कर लेते हैं, तो ये इसका बॉटल उसका से भी छोटा हो गया। तो ये देखें अक्सर मेडिसिन की बोतल का जो शेप है वो कुछ इस तरह का होता है। अगर नेक कुछ ज़्यादा हो गई है तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम इसकी नेक को थोड़ा सा यहाँ से क्लिक करके इस तरह से नीचे लेकर आएंगे, तो ये नेक इसकी कम हो जाएगी और ये शेप कुछ इस तरह से बन के आपके सामने नजर आएगा। अगर आप इसकी लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो ये नीचे वाले सारे सेलेक्ट करके और इसको इस तरह से नीचे लेके जाएंगे शिफ्ट के साथ, तो ये देखिए ये इस तरह का शेप ऑटोमेटिकली निकल कर इसमें से आ जाएगा। तो ये समझाने का मकसद है कि इस तरह से आप थोड़ा जब फोकस करके कोई भी चीज़ बनाने का इरादा करेंगे तो आपको इसकी फंक्शनलिटी का समझ में आता होगा, तो आप वो चीज़ इस पे इजीली करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं एक और किस्म का हम इस पे शेप बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल